नमस्कार। तो जो आज हमारा यहाँ आप लोगों से मिलने का पर्पज़ है, ये यही है कि मैंने मैक्स ग्रुप ज्वाइन किया है फ्रॉम 1 दिसंबर, और एज ए चेयरमैन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज। दूसरा मेरे पे ये भी जिम्मेवारी है कि जो मैक्स के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी मैंने डेवलप करनी है, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट की वो बीमारियों का नाम डील करती है जिसमें कि हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट रेट का कम हो जाना, हार्ट रेट का बहुत बढ़ जाना, या इरेगुलर हो जाना, या इनका कोई कम्बिनेशन हो, जैसे स्लो भी है, इरेगुलर भी है, फास्ट भी है, इरेगुलर भी है। कई बार एक ही पेशेंट में कभी स्लो एंड इरेगुलर होती है, कभी फास्ट एंड इरेगुलर होती है। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिदम की प्रॉब्लम हार्ट की है, जो उसको बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए हिंदी में कि जी हम हार्ट की बिजली की जो प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, उनको डील करते हैं। तो उसकी भी मेरे को पैन मैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि आई हैव बीन पायनियर इन दिस स्पेशलिटी। सबसे पहले भारत में 1993 में मैंने डेडिकेटेड डिपार्टमेंट शुरू किया था एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में, और उस वक्त तक लोगों को पता भी नहीं था कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होती है। जम्मू कश्मीर में अभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि प्रॉपरली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का काम करती हो। शेरे कश्मीर में कुछ थोड़ा बहुत काम होता है, और जम्मू में तो बिल्कुल ही नहीं होता, ज़ीरो। जम्मू में या जम्मू रीजन में तो कोई भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का काम नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों को दिल्ली ही जाना पड़ता है मोस्टली। और ये हमारा मैक्स ग्रुप के साथ ये हमारा एक एफर्ट होएगी कि हम कुछ फैसिलिटीज लोकली डेवलप करें, जिसके लिए एक मरीजों को जाना ना पड़े। कम से कम एटलीस्ट अगर हम कुछ फैसिलिटी डेवलप करेंगे लोकल, तो 90% लोग जो हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बल्कि 95। लेकिन जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिसको कई रिदम की ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए 5-7% लोगों को जाना भी पड़ जाए तो ठीक है। अब मैं जम्मू में वैसे ओपीडी करता हूँ, पहले भी करता था एसटीडीएम हॉस्पिटल में, और मैं देखा हूँ कि रजौरी से पेशेंट आते हैं कई बार, और भद्रवाह किश्तवाड़ से लोग आते हैं बहुत दूर। आजकल जैसे मौसम है, पता नहीं वे बेचारे कैसे आते होंगे। सो ये चीज़ों को समझते हुए ही हमने ये एक कदम उठाया है। देखो, एज ए इंडिविजुअल मैं ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता, मैं अपना ओपीडी करते चला जाता था, लेकिन अब मैक्स ग्रुप की मेरे को बैकिंग होगी तो हम ज़्यादा फैसिलिटी धीरे धीरे डेवलप करेंगे। और मैं हर महीने आऊँगा 2nd Thursday ऑफ एवरी मंथ, और मेरे जो कलीग हैं डॉक्टर धीरज गंडोत्रा, ये 4th Thursday को आएंगे। सो कम से कम महीने में 2 बार हमारा कवर होगा। और धीरज गंडोत्रा तो जम्मू से हैं, आपको शायद जानते होंगे कुछ लोगों से, ही दी सान ऑफ दी सॉइल, आई एम सान इन लॉ ऑफ दी सॉइल। सो मेरा ख्याल है कि इस कोऑर्डिनेशन में हम ज़्यादा लोगों की जो हार्ट की बीमारियों का इलाज हम कर पाएंगे। हार्ट की बीमारियां यू नो बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी बन गई है। आप लोग सुनते होंगे कि आजकल तो यहां तक बुरा हाल है कि 30 साल की, 35 साल के, 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक होकर डेथ हो जाती है। सो मेरा एक पर्पज़ ये भी होगा, जिसमें कि आपकी मेरे को बहुत हेल्प चाहिए, कि हम जब भी हम आएंगे तो हार्ट की बीमारी पे कोई ना कोई लेख जरूर लिखेंगे लोगों को प्रिवेंशन के लिए। कि बहुत टॉपिक हैं जो कि हम हर 15 दिन में एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। चलो जी, ब्लड प्रेशर ले लिया, या अंजाइना हो गया, हार्ट अटैक क्या है, सडन डेथ क्यों हो जाती है और उसको कैसे, बहुत ऐसी सब्जेक्ट हैं जो कि हम धीरे धीरे करके कॉमन लैंग्वेज में, जो कि आम आदमी समझ सके, उसमें कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन कोई ना कोई लेख आपको लिख के देंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हो आप मीडिया में।
और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन कर सकता है अपने समाज के लिए, वो है कि अगर हम बीमारी को प्रिवेंट करें, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे अच्छी चीज़ है। प्रिवेंट अगर हो जाए तो सेहत ठीक रहती है। दूसरा है कि इंसान का खर्चा नहीं होता। हार्ट की बीमारियों का खर्चा महंगा है, हज़ारों में नहीं लाखों में है। तो इसलिए हमें एम्फेसिस देनी चाहिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ सब लोगों को, प्लस रेगुलर चेकअप होना चाहिए, मेडिकल चेकअप। इंडिया में ये बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि पढ़े लिखे लोग भी, मैं देखा दिल्ली में भी, ये नहीं कि रेगुलर चेकअप कराएं। जैसे हम चाहते हैं जी, जो भी अगर आपकी 35 इयर्स की उम्र हो गई है तो कम से कम साल में कुछ ना कुछ टेस्ट साल में एक बार होने चाहिए। जैसे ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर देखना है। जिसको बीपी की बीमारी नहीं है, कम से कम 6 महीने में तो अपना बीपी एक बार देखना चाहिए। जिन लोगों की फैमिली में ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, उनको ब्लड शुगर और भी रूटीनली ज़्यादा कराने चाहिए। और तकरीबन 40 साल के ऊपर तो हम समझते हैं कि हर साल TMT भी होना चाहिए, क्योंकि ECG नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं है कोई। ये लोगों को बड़े बहम है, बहुत एक मिथ है कि जी मेरी तो ECG नॉर्मल है, मेरे को हार्ट अटैक ऐसे हो गया। ECG नॉर्मल रहती है जब तक हार्ट में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन ECG ये नहीं बताती कि हार्ट वाली नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। ECG ये भी नहीं बताती कि हार्ट में कोई वैल्व लीक करता है या कोई वैल्व नैरो हो गया है। तो ECG इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ECG में नहीं है। तो एक बार साल में बहुत बचत हो सकती है। दूसरी चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में लोगों को ये नहीं पता हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट अरेस्ट क्या होता है। कोई आदमी की आप सुनते हो, पेपरों में भी आता है कि जी फलां बंदा ठीक ठाक था, नींद में उसकी डेथ होगी या कोलैप्स करके जो डेथ होगी, सडन डेथ होगी। तो जो सडन डेथ की डेफिनेशन है, वो ये डेफिनेशन है कि अगर किसी इंसान की सिम्टम शुरू होने से लेके डेथ तक ये टाइम पीरियड एक घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाए, उसको सडन डेथ कहते हैं। और सडन डेथ जितनी भी होती है, ये समझ लो कि ऑलमोस्ट 96% वो हार्ट की वजह से होती हैं, कार्डियोवास्कुलर होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सडन डेथ हो सकती है, जैसे अगर ब्रेन में बहुत मैसिव ब्लीडिंग हो जाए, सडनली कोई नाड़ी फट जाए या कोई पेट की नाड़ी फट जाए, कई बार ब्लीडिंग हो सकती है, पेट से भी हो सकती है, तो आदमी की सडन डेथ हो सकती है। लेकिन बाई एंड लार्ज 95% हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। और उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब भी ये सडन डेथ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक हो रहा है। 85% जो सडन डेथ होती हैं उसमें हार्ट अटैक नहीं होता, उसमें पहले ही उस मरीज को कोई हार्ट में डैमेज होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में पता नहीं होता लोगों को, क्योंकि उन्होंने चेकअप नहीं कराया होता, जैसे ECG या एको नहीं कराया होता। अगर किसी वजह से हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है, देखो हार्ट पंप है, बेसिकली हार्ट का काम है पंप करना, अगर ये पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए, वो लोगों को सडन डेथ के ज़्यादा चांस हैं। पंपिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, LVEF। ये क्या है LVEF? LVEF ये है, अगर समझ लो लेफ्ट वेंट्रिकल में 100 ml ब्लड आया तो एक वीट में वो कितना बॉडी में इजेक्ट करता है, उसकी रेशो लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये इजेक्शन फ्रैक्शन 55% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 100 ml ब्लड आया एक वीट में, वो 55% या 60% बॉडी में इजेक्ट करेगा। अगर यही फिगर 35% से कम हो गए तो हम उसको मानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया और उन लोगों को सडन कार्डियक डेथ का खतरा रहता है। तो अगर हम एको कराते हैं, किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन 35% निकलता है या 30% निकलता है, उसको सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। पहली तो हमारी अटैम्प्ट होती है कि भी उसका कारण पता करें कि क्यों डैमेज क्यों हुआ,